नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। नोटबंदी का आज 10वां दिन, आज भी लगी है बैंकों और एटीएम के बाहर लाइनें। बैंकों में अब तक जमा हुए करीब 4 लाख करोड़ रुपए। कैश बदलवाने के लिए स्याही के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग ने जताई आपत्ति। वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर कहा, बाएं हाथ के दर्जनी पर ना लगाएं स्याही, कल होने वाले उपचुनावों का दिया हवाला। नोटबंदी के फैसले पर पूरा विपक्ष लामबंद। संसद में आज भी संग्राम जारी। भारी हंगामे के बीच लोकसभा 12 बजे तक स्थगित। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में पहुंचे राहुल गांधी ने की दुकानदारों से नोटबंदी पर चर्चा। राहुल की मीटिंग में लगे मोदी मोदी के नारे। जम्मू के अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से भारी गोलीबारी। ऑटोमेटिक हथियारों से हुई फायरिंग, सुरक्षा बलों ने दिया मुंह तोड़ जवाब। दिल्ली में मुंडका के कबाड़ी बाजार में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। दमकल की करीब 40 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। और विशाखापट्टनम में भारत इंग्लैंड के बीच दूसरे दिन का खेल शुरू। पहले दिन मैच के हीरो रहे विराट कोहली, 167 रन बनाकर आउट। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।